कछी डूबल नैया करियौ कृपा हे दुर्गा मैया अछी डूबल नैया देखू डूबल अछी नैया करते के पार हे मैया पार है मैया ओही छी जग के रखे भैया हे दुर्गा मैया ओही छी जग के रखे भैया हे दुर्गा नमस्कार नाइकनूट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम मोनी वैदेही है और मैं मैथिली भोजपुरी हिंदी की गायिका हूँ। जी कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं सीतामढ़ी जिला, बिहार में सीतामढ़ी जिला से। जी सबसे पहले आप ये बताइए कि सिंगिंग जो कर रही हैं मैथिली में भाषा में जो आप गाना गा रही हैं या हिंदी में या भोजपुरी में जो भी आप यूज कर रही हैं तो कैसे आया ये सब, कैसे मतलब ज्ञान हुआ आपको इस चीज़ का? जब मैं छोटी थी जी तो ऐसे तो मेरे घर में संगीत के सभी लोग प्रेमी हैं। दादाजी लोग गाते थे जी जी और मेरे पापा भी गाते हैं जी, लेकिन कोई प्रोफेशन में इस चीज़ को नहीं लाया जी। तो है तो यह चीज़ हमारे जीन में ही जी, लेकिन कोई भी शादी विवाह या कुछ होता था तो शारदा सिन्हा जी के गाना जब सुनती थी तो अंदर में हमको भी लगता था कि मैं भी प्रोफेसर बनूं समाजशास्त्र की और मैं भी उनके जैसे गाना गाऊं। उनके गाना सुनते सुनते जो है हमको मन, तो जैसे कि आपने सिंगिंग की दुनिया में जब आप गई बाहर निकलना पड़ता है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तो आप एक शादीशुदा हैं, आपकी फैमिली के अंदर में क्या कोई ऐसी रुकावट पैदा हुई, किसी ने आपकी कौन आपके रुकावट बने या किसी ने आपको ज़्यादा सहयोग दिया परिवार के अंदर में, फैमिली की अगर बात करें तो? हाँ देखिए हम एक महिला हैं और आफ्टर मैरिज कोई भी महिला अगर कर रही है तो हम लोगों के यहाँ का जो समाज है परिवार है उसमें स्त्री को आफ्टर मैरिज तो ऐसे बिफोर मैरिज भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और आफ्टर मैरिज तो संघर्ष ही संघर्ष है और पहला संघर्ष इंसान का घर परिवार से ही शुरू हो जाता है। तो आपके जो हस्बैंड हैं जो आपके मिस्टर हैं उनका कितना सहयोग रहता है आपको आपके काम में? सभी लोगों का सहयोग, सबका सहयोग रहता जी, है जी, सबके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने अभी तक कितनी एल्बम वगैरह की हैं? इसके साथ संघर्ष भी बहुत है जी। तो कितना आपने अभी तक एल्बम बनाई है अभी तक जो गाने अपने जो गाए हैं? अभी हमारा 3-4 एल्बम बना हुआ है। तो अभी चूँकि सोशल मीडिया का युग है जी तो इसमें तो ऐसे भी YouTube वगैरह पर लोग नॉर्मल डालते हैं तो सुनने वाले वहाँ से भी सुनते हैं, Facebook के माध्यम से, Instagram के माध्यम से। तो अभी आपका सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा गाना है जो आपने जो सॉन्ग गाया है यानी कि कहा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ हो, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने सुना हो, तो कौन सा गाना आपका है? ऐसे तो बहुत सारा मेरा गाना है जो सुना दीजिए, बिना म्यूजिक का भी है वो भी बहुत लोग सुने हैं जी, छोटे छोटे टुकड़ों में सुना दीजिए अलग अलग। हमारा जैसे स्वरचित गाना है 2-3 लाइनें सुना दीजिए। एक माँ भगवती का गाना मैं सबसे पहले बनवाई थी जी, जिस गाना का बोले YouTube पर भी है, Facebook पर भी है, Instagram पर भी है, तो भगवती का भजन है मैथिली लैंग्वेज में, मैथिली भाषा में। करियो कृपा हे दुर्गा मैया अछी डूबल नैया करियो कृपा हे दुर्गा मैया अछी डूबल नैया देखू डूबल अछी नैया करते के पार है मैया देखू डूबल अछी नैया
करते के पार है मैया, ओही छी जग के रखे भैया, हे दुर्गा मैया, ओही छी जग के रखे भैया, हे दुर्गा मैया, करियो कृपा हे दुर्गा मैया, अच्छी डूबल नैया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छी आवाज आपकी है। और इसके अलावा और कौन से, जैसे कि आप बात करें तो हिंदी में गाने या फिर भोजपुरी में और कौन से गाने अपने गाए हैं? बहुत सारे गाने, जैसे छठ वाले हैं, बहुत सारे गाने हैं अपने गाए होंगे, कोई और सुना दीजिए गाना जो आपका ज़्यादा पॉपुलर रहा हो। सभी बहुत सारे गाने हैं, एक गा दीजिए और। छठ के गाना कोई भी चलेगा, जो भी आपका अच्छा हो। खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। दूसरा, आगे आपने और क्या प्रयास किया हुआ, जैसे सिंगिंग की दुनिया में है आपने, जैसे अभी आप भोजपुरी या बिहार या मैथिली भाषा में आप गाने गा रही हैं, और आपने क्या क्या आपने प्लान किया आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए? क्या आपको कोई रास्ते मिले कुछ, किसी बड़ी एल्बम के लिए या किसी फिल्म के लिए, कोई आपको ऐसा किसी ने कुछ ऑफर दिया हो, ऐसा कुछ अभी आपको ऐसा आया है कुछ? एक दो बार आया है जी, बट समय के अभाव या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जो मैं नहीं जा सकी जी। तो आगे ऐसा ऑफर आएगा तो मैं, तो आगे अभी समाज में जो आप कार्य कर रही हैं, दूसरा अभी अपने चैनल का नाम और बता दीजिए ताकि दर्शक। मेरा चैनल का नाम है वैदेही एंटरटेनमेंट जी, तो जिनको भी मेरा गाना पसंद आएगा वहाँ से सुन सकते हैं, वैदेही एंटरटेनमेंट जी मेरा चैनल का नाम। बहुत अच्छा लगा।